अब इस वीडियो में मैं एडसेंस बैन के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि एक बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है वेब स्टोरेज के मामले में। क्योंकि इसमें एक रीज़न मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आपका एडसेंस बैन होता है और आपकी जो पेमेंट है वो कट हो जाती है अपने पेमेंट्स वाले एरिया से, तो आपको एडसेंस कुछ भी नहीं देगा, चाहे आपका $1,00,000 हो, चाहे आपका $10,00,000 हो, चाहे आपका $10 हो, चाहे $100 हो, ठीक है। तो अब इस चीज़ को मैं हम कैसे इस चीज़ के ऊपर आ सकते हैं कि ठीक रहे ये चीज़ हमारा एडसेंस बैन ना हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेब स्टोरी के साथ साथ क्या करना पड़ेगा। जैसे कि अब हम एक स्पोर्ट्स के ऊपर वेब स्टोरीज बना रहे हैं, जैसे हमने 30 वेब स्टोरीज पर डे बना दी, ठीक है। तो उसके साथ साथ आप 1, 2, 3 आर्टिकल्स स्पोर्ट्स के ऊपर ही लिख दें, और क्या करें जैसे ही वो आर्टिकल्स, मतलब कि जैसे ही उन वेब स्टोरीज पर ट्रैफिक आने लगे, तो उनके CTA बटन में आप उन आर्टिकल्स का लिंक लगा दें और उनमें एड्स ज़्यादा डाल दें। अब देखो एडसेंस क्या होता है, मैं इसका एक एल्गोरिदम है जो समझाने की कोशिश करूंगा। अगर बिगनर हो आप तो आपको थोड़ा सा कम समझ आएगा, लेकिन हाँ आपको थोड़ा वो समझ आ गया अगर तो बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन आपको जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो कर लोगे तो भी सफिशियंट रहेगा, समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो अब जैसे कि हमारे जो पेज व्यूज़ होते हैं एडसेंस में, आपको वो भी सेपरेट दिखते हैं, इंप्रेशन होते हैं आपके वो भी सेपरेट दिखते हैं, और हमारा CTR और CPC होता है वो भी सेपरेट दिखता है। तो जो हमारे इंप्रेशन होते हैं, नॉर्मल जो चीज़ होती है, अगर वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है तो हमारे इंप्रेशन हमेशा ज़्यादा रहेंगे, CTR कम रहेगा और जो पेज व्यू है वो भी कम रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो वेब स्टोरीज का जो मेथड हम यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, हमारे जो इम्प्रेशंस है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि वेब स्टोरीज के हर बार अगर कोई पेज व्यू होता है, या फिर जैसे 8 slides हैं तो वो 8 page views है, ठीक है, एग्जांपल के लिए। तो अब 8 के 8 में ऐड तो नहीं आ रही ना, 8 के बाद ही आ रही है ऐड, तो एक इम्प्रेशन माना जाएगा 8 page views पे, ठीक है। या फिर एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं कि अगर आपकी 8 आपने वेब स्टोरीज बनाई है, ठीक है, और 8 की 8 पे आपकी एक बंदे को मतलब कि वेब स्टोरी पे ऐड शो नहीं करी, ठीक है, तो वो 8 impressions वहीं के वहीं कम हो गए। तो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है कि आपके इम्प्रेशंस हैं जो वो कम जा रहे हैं और पेज व्यूज़ आपके ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन इसका उल्टा होना चाहिए, आपके इम्प्रेशंस ज़्यादा आने चाहिए, जिससे गूगल को लगे कि अथेंटिक है, ज़्यादा लोगों ने देखी आपकी ऐड जो, लेकिन क्या हुआ, क्लिक कम लोगों ने किया, पेज व्यू कम आए। तो ये सिर्फ पोस्ट में होता है, और इसी चीज़ को आपको ओवरकम करना है। वेब स्टोरी से आप ट्रैफिक सीधा पोस्ट पे लेकर जाइए, ये सिर्फ एक ही तरीका है जो आपके नए एडसेंस को बचा सकता है। अगर आपके पास पुराना एडसेंस है तो उस पर भी आप रिस्क मत लीजिएगा, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। तो ये सबसे ज़रूरी जो टॉपिक था इस कोर्स में, जो आपको मेरे ख्याल से कोई भी कवर नहीं कर पाएगा, अभी तक किसी ने भी इस चीज़ का आंसर नहीं दिया कि इस चीज़ पे क्यों ये चीज़ होती है बैन होती है एडसेंस, वो मैंने इसमें कवर कर दिया है, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एडसेंस अकाउंट बैन होने की क्या दिक्कत है, ठीक है, और एडसेंस अकाउंट क्यों बैन होते हैं। तो इसके ऊपर हम पूरी की पूरी अब एक वीडियो जो डेडिकेटेड है वो इस कोर्स में लेके आए, जिसमें हम बताने वाले हैं कि क्या कारण है। तो आप देख सकते हो स्क्रीन में मेरा जो है ये खुला हुआ है एडसेंस, और इसमें क्या है आप देख सकते हो, परफॉर्मेंस में आपको क्या दिख रहा है, जो पेज व्यूज़ हैं और जो इम्प्रेशन हैं, ठीक है, और जो CTR है, इसका सारा एल्गोरिदम का खेल है गाइस, ठीक है। जो प्रायोरिटी में गूगल रखता है, उसके बाद आपका कॉपीराइट आता है, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है गाइस, आप देख सकते हो कि जो इम्प्रेशंस हैं वो पेज व्यू से ज़्यादा होते हैं, लेकिन नॉर्मल ब्लॉग में जो होते हैं इम्प्रेशन वो पेज व्यू से ज़्यादा होते हैं, लेकिन वेब स्टोरी में इसका उल्टा होता है, जिससे क्या होता है, गूगल को लगता है कि जो क्लिक्स आ रहे हैं वो ऑथेंटिक नहीं है, बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं है। और CTR आप देख सकते हो नॉर्मल ब्लॉग का होता है वो 1% के आसपास रहता है, ठीक है, लेकिन गूगल उस टाइम ये चीज़ समझ नहीं पाता कि जो इम्प्रेशन है वो कम है, ठीक है, पेज व्यूज़ ज़्यादा हैं और CTR भी ज़्यादा है। बल्कि जो मेजॉरिटी जो एडसेंस यूज़ कर रहे हैं लोग, उनका क्या हो रहा है, उनका इसका उल्टा हो रहा है। तो इस एल्गोरिदम को ध्यान में रख के गूगल एडसेंस को बैन करने की कोशिश करता है और कर भी देता है, ठीक है, कुछ एडसेंस में एड लिमिट लगा देता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ प्रायोरिटी पर रखता है। अब जो दूसरा है
वो है आपका इमेजेस का, और कंटेंट आप रिटर्न का कोई इशू नहीं है, लेकिन जो आपकी इमेजेस हैं उसका दिक्कत आती है। फिर जो गूगल होता है वो आपको रिवर्स इमेज, क्योंकि गूगल के खुद के टूल्स हैं बहुत सारे हैं, और वो एआई के थ्रू आपकी जो इमेजेस को पकड़ सकता है, या फिर किसी ने भी डीएमसीए किया या कुछ भी किया, या फिर लिमिटेड जो मतलब कि वेबसाइट्स हैं वो अपना डीएमसीए रजिस्टर करके रखती है कि अगर वहाँ से कोई भी इमेज लीक हो या किसी वेबसाइट पे गूगल को मिले या डीएमसीए को मिले तो वो साथ के साथ गूगल को रिपोर्ट कर दें और उस अकाउंट की फिर वेरिफिकेशन हो। तो इसलिए ये जो गूगल है ये अकाउंट को बैन करता है। तीसरा है कि आपका नया अकाउंट है, ठीक है, और एकदम आपकी अर्निंग बूस्ट हो गई है, पहले जीरो की थी, आपको 5 की 10 की ऐसे होनी चाहिए, लेकिन क्या हुआ एकदम 100 की होगी 200 की होगी पर डे की बात बता रहा हूँ गाइस मैं आपको। तो उसके बाद क्या हुआ, गूगल फिर इस सीटीआर वाले और इम्प्रेशन वाले पेज व्यूज वाले पूरे एल्गोरिदम को चेक करेगा, ठीक है, और जब आपका $10,000 से ऊपर हो जाएगा फिर वो दोबारा एक बार टीम बिठाएगा। तो ये चीज़ होती है, लेकिन गूगल का जो एडसेंस है वो ऑटोमेशन पे मैक्सिमम टाइम काम करता है, क्योंकि गूगल क्या चीज़ है, अगर ये किसी के हाथ में आ जाएगा, ठीक है, तो उसका क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ फ़ायदा उठा सकते हैं, तभी गूगल के जो वो हैं ओनर हैं उन्होंने इस चीज़ को पूरा ऑटोमेशन पे रखा है, ठीक है। तो इस वीडियो में होप कि आपको सारे सवालों का आंसर मिल गया होगा, और आपको अगर एडसेंस मतलब कि आपको भी डर है कि आपका एडसेंस बैन होने का खतरा है, तो आप कॉपीराइटेड कंटेंट को बहुत कम यूज़ करना, ठीक है।